ठीक है ये बहुत प्रोमनेंटली एग्ज़ाम में आते हैं उसके साथ साथ कोई भी अगर ग्रुप है जैसे कोऑर्डिनेशन हैं ठीक है या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है ऐसा कुछ भी है तो वो आता है एग्जाम में ठीक है एक्सरसाइज जितनी भी हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज दैट कम इन द एग्जामिनेशन ओके सो ओकेज़ आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल सी इवन द डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आर वेरी वेरी प्रोमनेंटली सीन इन द एग्जाम ओके तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है अवार्ड्स की स्टैटिक और करंट अफेयर्स वाली वीडियो डाली हुई है स्पोर्ट्स की वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है आप लोगों के लिए ठीक है डिफेंस वाली वीडियो अलग से डाली हुई है आज एक्सरसाइज की भी एक और वीडियो जो है वो रिलीज कर दूंगी मैं सो प्लीज मेक श्योर की आप ये सारी वीडियो जो है उन्हें अच्छे से कवर कर लो बिकॉज यू विल फाइंड एटलीस्ट फाइव टू सिक्स क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन ओनली फ्रॉम दीज वेरी टॉपिक्स ओके और इसके साथ साथ जो मैंने डिफेंस वाली वीडियो है वो सी डी एस एफ कैट और एनडीए सबके लिए है तो अच्छे से देख लेना दैट वीडियो इज इक्वली इंपॉर्टेंट और इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स की वीडियो डालने वाली हूँ फॉर सी डी एस एंड एनडीए यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस इफ यू वॉन्ट बिकॉज उसमें पूरी करंट अफेयर्स हार्डली थर्टी मिनट्स में कवर्ड रहेगी ठीक है चलो सो लेट्स स्टार्ट अप विद द क्वेश्चन राइट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने क्लाइम कर लिए पांच पीक्स आज तक अबाउ एट थाउजेंड मीटर्स जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट हु इज हु इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इसका जो आंसर है दैट इज डी प्रियंका मोहिते कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज ऑथर कौन है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका जो आंसर है दैट इज दलाई लामा ठीक है और एडिट किसने की है रेनिकॉ

मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच इंडियन स्टेट इज गोइंग टू होस्ट जी ट्वेंटी इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो इसका आंसर है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर इज गोइंग टू होस्ट द नेक्स्ट वन इज कौन नए शेयर पर बने हैं जी ट्वेंटी के पीयूष गोयल के बाद तो इसका जो आंसर है दैट इज अमिताभ कांत ठीक है कौन सी दो कंट्रीज है जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया है तो इसका जो आंसर है दैट इज वॉट अर्जेंटीना एंड ईरान और जो इसके हेड क्वार्टर्स है अगर ब्रिक्स की बात करते हैं इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं शेंई में है चाइना में राइट right? इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज की जो uh, ब्रिक्स है इसमें कौन कौन से नेशन है सो ब्राज़ील ठीक है रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका ओके ये स्टार्टिंग से नेशन से साउथ अफ्रीका बाद में इसमें ऐड ऑन हुआ है कमिंग टू द नेक्स्ट वन कौन है ऐसे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन एलोडा कप नूर सुल्तान कजाकिस्तान में ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर हुआ था मैच या फिर ये पूछा जा, जा सकता है कि ये वाला जो कप है किससे एसोसिएटेड है सो एलोडा कप जो है दिस इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग और जीता कौन है आंसर है इसका डी दैट इज अल्फिया पठान एंड गीतिका ठीक है दीज आर द गर्ल्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन पुल्जर प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में दिया जाता है लेकिन जो फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी है उसमें किसे मिला है ओके okay? सो so, इसका जो आंसर है दैट इज बी दानिश सिद्दकी कमिंग टू द नेक्स्ट वन किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इन 95 फाइव ऑस्कर अवार्ड्स सो ये ऑलरेडी मैं आपको अवार्ड्स में पढ़ा चुकी हूँ द आंसर फॉर द सेम इज बिल स्मिथ कमिंग टू द नेक्स्ट वन कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो पास किया है इसका आंसर क्या है नेपाल है और ये आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट दो साल हो गए थे जब से ये डिस्कशन में चल रहा है ओके सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एबल प्राइज जो है वो किस लिए दिया जाता है मैथ्स के लिए दिया जाता है और इस बार जो ये अवार्ड है किसको दिया गया है दिस आंसर फॉर द सेम इज सी डेनिस पार्नल सुलिविन ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कौन से इंडियन आर्किटेक्ट हैं जिनको रॉयल गोल्ड मेडल मिला है 2022 ट्वेंटी टू सो इसका जो आंसर है दैट इज बालकृष्ण विथालदास दोषी ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वन अब जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं कुेत के वो कौन है शेख मोहम्मद सलबा अल सालिम ये सी डी एस और एनडीए के लिए भी बहुत जरूरी है प्रेजिडेंट के क्वेश्चन वहाँ पर यूजअली प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो अगर इसका हम बात करें द आंसर फॉर द सेम इज कुत दिनार ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन एंड सेकेंड इंडियन जिनको वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिट में डाला गया है ऑन इन आई एम एफ ठीक है आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स का है जल्दी से बताओ इसका जो आंसर है दैट इज गीता गोपीनाथ सो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज फर्स्ट इंडियन कौन रहे हैं ठीक है शी इज अ फर्स्ट वुमेन तो फर्स्ट इंडियन कौन रहे हैं फर्स्ट इंडियन रहे हैं रघु राजन ठीक है रघु राजन ओके ये क्या थे इंडिया में ही हैड अ वेरी वेरी गुड पोजीशन आरबीआई में कहीं तो थी बताओ जल्दी से क्या थे ये ओके कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग मैं आपको हेडक्वार्टर्स भी बता देती हूँ डीसी कमिंग टू द नेक्स्ट वन टी फोर पैरा ऑलम्पिक्स में एंड एशी हैजन द गोल्ड मेडल इन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप इन वेमेन टेन मीटर एयर राइफल द आंसर फॉर द सेम इज अवनी लाइखारा ये पूछा जा सकता है किससे एसोसिएटेड है ये सो ये शूटिंग से एसोसिएटेड है ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वन कौन सी कंपनी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है इंडिया का फर्स्ट यू एच पी वी आंसर फॉर द द सेम इज इज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ओके नेक्स्ट वन कि बटिंडा की एक लड़की है जिन्होंने ट्वेंटी फोर डेफ ओलंपिक्स में मेडल जीता है बैडमिंटन में तो ये बैडमिंटन तो में कौन सा मेडल जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ठीक है श्रेया सिंगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अभिनव देशवाल जो है उनको गोल्ड मेडल मिला है इन शूटिंग ठीक है so, सो अभिनव देशवाल किससे एसोसिएटेड है शूटिंग से एसोसिएटेड है और ये डेफ ओलंपिक्स में इन्हें मिला है बेसिकली इनका सेकंड मेडल था सेकंड गोल्ड मेडल ओके दो गोल्ड मेडल मिले हैं तो ये जो आपका एडिशन था ओलंपिक्स का ये कौन सा एडिशन था ट्वेंटी फोर्थ ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ कौन सी न्यू एयरलाइन आई है इंडिया में विच हैज रिसीव द ए ओ सी फ्रॉम द एविएशन रेगुलेटर दैट इज़ डी जी सी ए से अप्रूवल मिल चुका है सो so, इसका जो आंसर है दैट इज़ अकासा एयर ओके द नेक्स्ट वन इज स्टैचू ऑफ पीस जो है स्वामी रामानुचार्य का श्रीनगर में जो है वो अनुवेल किया गया है ये कहाँ पर है इट इज़ नियर अबाउट इन सोनवर रीजन तो ये किसने अनुवेल किया है तो आंसर क्या है अमित शाह द नेक्स्ट वन इज कौन सी सिटी जो है उसको रैंक किया गया है फर्स्ट इन इंडिया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में सो so, इसका जो आंसर है दैट इज़ न्यू डेली इसकी जो रैंक रही है दैट हैड बीन 140 और इंडिया की फाइव सिटीज जो हैं उसको टॉप uh, में डाला गया है और उन सब में से जो टॉप में है दैट इज डेली ठीक है जो इंडिया की सिटीज़ हैं दैट इज़ डेली मुंबई ठीक है चेन्नई अहमदाबाद एंड बैंगलोर ठीक है याद रहेगा चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कौन सी सिटी जो है वो मोस्ट लिवेबल सिटी है मतलब जो एक ग्लोबल लिवेबलिटी इंडेक्स आया था उसमें फर्स्ट किसकी पोजिशन आई है द आंसर इज व्याना व्याना कहाँ की कैपिटल है ऑस्ट्रिया की नेक्स्ट इज़ भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है वो फ्लैग ऑफ हुई है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में सो so, इसका जो आंसर है दैट इज़ इंडिया एंड नेपाल और ये जो है ये एक दूसरे के साथ रामायणा सर्किट से जुड़े हुए हैं ठीक है किससे जुड़े हुए हैं रामायणा सर्किट से जुड़े हुए हैं नेक्स्ट है ओपेक के जो सेक्रेटरी हैं अभी अभी रिसेंटली पास ही पास हुए एज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू शुड नो कि ओपेक के जो सेक्रेटरी थे क्या नाम था उनका मोहम्मद सानूसी बारकिनडो ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा ओपेक जो है इसके हेडकोर्टर्स कहाँ हैं और ये ऑयल वाली जो मतलब पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑयल एंड पेट्रोलियम वाले जो कंपनी कंट्रीज हैं वो हैं ठीक है सो so, हेडक्वार्टर बताएंगे और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि ओपेक के अंदर हैं जल्दी से कमेंट करो नेक्स्ट इज पी एस एल वी सी फिफ्टी थ्री मिशन जो है इसके अंडर इसरो ने लॉन्च की है तीन सैटेलाइट कौन सी कंट्री की सो so, इसका जो आंसर है दैट इज डी सिंगापुर कौन सी कंट्री है जिसने एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप को टॉप किया है इसका जो आंसर है दैट इज जापान तो जापान जो है इसके पास टोटल एटीन गोल्ड मेडल सेवन सिल्वर और दो ब्रॉन्ज आए हैं और जो सेकेंड पोजिशन रही है वो रही है कोरिया की कोरिया ने कितने बारह गोल्ड चौदह सिल्वर और थ्री ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं ठीक है दैट इज कोरिया और अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया के टोटल रहे हैं ट्वेंटी थ्री मेडल्स और सिर्फ दो गोल्ड मेडल रही हैं इस बार ठीक है नेक्स्ट इज फेमिना मिस इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी टू किस क्राउन किया गया है आंसर फॉर द सेम इज सिनी शेट्टी वन इज uh, किसको एक्सलेंस इन सिनेमा अवार्ड जो है किस लिए किया गया है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा कॉन्ट्रीब्यूशन जो इनका रहा है सिनेमा में उसके लिए अवार्ड किया गया है कमिंग टू द नेक्स्ट वन हैज बीन कॉन्फर्ड विद परम विशिष्ट सेवा मेडल इज डिस्टिंग सर्विस ऑफ एक्सेप्शनल ऑर्डर ठीक है किसको फॉर द सेम इज मनोज पांडे ये कौन है आर्मी के हमारे चीफ है राइट right? जल्दी से एयरफोर्स चीफ बताओ और नेवी के चीफ का बताओ कौन कौन है नेक्स्ट इज फिफ्थ रोमेन रोलैंड बुक प्राइज जो है ये किसको मिला है ठीक है ये एक बेंगोली ट्रांसलेशन रही है फ्रेंच नॉवल की ये जो फ्रेंच नॉवल है उसका नाम क्या रहा है कॉन्ट्रे एनक्विटे ठीक है ये फ्रेंच नॉवल है इसका जो बंगाली ट्रांसलेशन वो है सो देखो नाम से ही पहचान जाओ कौन सी है द मर्सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन ये बेंगाली में रिटर्न है ये फ्रेंच जो ये आपकी बुक थी उसको ट्रांसलेट किया गया है ठीक है याद रहेगा इट्स इंडियन दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट बेंगोली है सो दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना द नेक्स्ट वन इज रैंक क्या रही है इंडिया की इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 पहली बात ये हुआ कहाँ था ये हुआ था उलन बतार ट्वेंटी ठीक है उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं रैंक क्या रही है इंडिया की सो रैंक क्या है इसकी फिफ्थ रही है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु हैज बीन चोजन फॉर द कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड सो इसका जो आंसर है दैट इज़ ए किशोर कुमार दास और इन्होंने जितने भी बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पर काम किया है इम्प्रूविंग द एजुकेशन एंड ही इज फ्राम बांग्लादेश ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग आउट इज नेक्स्ट वन हुज़ वन द बेस्ट फीचर फिल्म एट सिक्सटी एथ नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स सो इसका जो आंसर है दैट इज़ सराईपट्टू ठीक है सरायपट्टू ने जीती है जो आंसर है दैट इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोऑपोरेशन और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर ये आती है और इसने एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन राइटर जिनको ओ हेनरी प्राइज़ जो है उनकी शॉर्ट स्टोरीज के लिए दिया गया है देखो ये भी याद रखना है कि हेनरी प्राइज़ किस लिए दिया जाता है ठीक है ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो 2022 में जो ये अवार्ड है ये मिला किसको है अमर मित्र को मिला है ये एक बंगाली ऑथर है और ये शॉर्ट स्टोरीज जो हैं लिखी है उन्होंने उनके लिए

ठीक है उनको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है सोचो सो सच अ सच अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम द इंडियन साइड दैट्स अ वेरी बिग थिंग सो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टामा लो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर सीरियस ऑल्सो एंड ऑल्सो एंड योर इफ कैट एज वेल ठीक है अच्छे से पढ़ लेना ये कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज फील्स मेडल जो है वो किसको मिला है देखो अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ फील्ज मेडल जो है किससे एसोसिएटेड है मैथ्स से एसोसिएटेड है इसलिए मैंने डाला है तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल द दबाव जेम्स मेरान मायराना एंड जूनहू इन सब ने ये जीता है ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सो इसका जो आंसर है दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल बगावली सोमशेखर राजू ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी राखी गिरी जो है वो न्यूज में काफी देखी जा रही है ये एक एंशंट साइट है जो कि कौन सी जगह पे लोकेटेड है तो ये हरियाणा में लोकेटेड है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 हेरिटेज साइट्स हैं कितनी हैं 20 हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ पर एंड इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर नेशनल इम्पोर्टेंस सो इसलिए इसको नेशनल इम्पोर्टेंस टैग भी दिया गया है कमिंग टू द नेक्स्ट वन कौन सा स्टेट है जिसने खेलो इंडिया यूथ गेम ट्वेंटी ट्वेंटी वन टाइटल जो है वो जीता है फिफ्टी टू गोल्ड मेडल्स आप लोग जानते होंगे कि ये हरियाणा में खेला गया था और ये जो जीता है दैट इज ऑल्सो बाय हरियाणा और ऑलरेडी मैं खेलो इंडिया बहुत इन डेप्थ आपको बता चुकी हूँ ठीक है सो प्लीज़ वो सारी डिटेल्स देख लेना कि फर्स्ट गेम कहाँ पे हुआ था खेलो इंडिया का ठीक है कौन जीता है कहाँ पे जीता है महाराष्ट्र कितनी बार जीत चुका है हरियाणा कितनी बार जीत चुका है और जो आपका ट्वेंटी ट्वेंटी टू एडिशन है वो कहाँ होने वाला है जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में द नेक्स्ट इज विच फिल्म हैज़ वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकेडमी अवार्ड्स Abu Dhabi में जो कंडक्ट हुई थी इसका आंसर है इंडियन पर्सनल जिनको दिया गया है ऑनरी ब्रिटिश अवॉर्ड बाई क्वीन ऑफ ब्रिटेन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कौन है वो सो so, जो इसका आंसर है दैट इज सी अजय पिरामल ठीक है किस लिए दिया गया फॉर वॉट ही हैज बिन अवार बताइए जल्दी से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ बट स्टिल यू शुड नो कमेंट जो नेक्स्ट वन कि फिफ्टी सेवन ज्ञानपीठ अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जीता है सो so, जो इसका आंसर है दैट इज दामोदर मौजू ठीक है और इन्हें किसके लिए मिला है कौनकनी लैंग्वेज के लिए मिला है, है? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेस्टीजियस सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किसको मिला है सो so, इसका जो आंसर है दैट इज प्रोफेसर राम आदर्श मिश्रा ठीक है नेक्स्ट वन इज सी मोस्ट जज कौन है सुप्रीम कोर्ट में जिनको अब नेक्स्ट सी जे आई बनाया जाएगा दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सो द सेम इज यू यू ललित ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज दानुरी जो है ये एक मून मिशन है कौन सी कंट्री का सो इसका जो आंसर है दैट इज साउथ कोरिया ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज सक्षम आंगनबाड़ी एन पोषण जो स्कीम है पोषन टू पॉइंट ओ द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोषन स्कीम ये कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द नेक्स्ट वन इज दर इज अ बुक दैट इज ने लाइन ऑफ द स्काईज हरदीप सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसके ऑथर कौन है ठीक है ये बुक बहुत जरूरी है और इसका जो आंसर है दैट इज स्टेफेन बाकव

कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कि वेस्ट बंगाल में सात नए डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बनाए गए हैं अब टोटल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में कितने हैं सो so, जो वेस्ट बंगाल है उसमें थर्टी डिस्ट्रिक्ट हैं ठीक है नेक्स्ट इज चाइना की जो यांग हु है ये इनको रिप्लेस करके अपने इंडिया की एक लेडी है जो एशिया की रिचेस्ट वेमेन बनती हैं और वो कौन है सो so, इसका जो आंसर है दैट इज सावित्री जिंदल ओके okay? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज जो नया स्लोगन है ओलंपिक्स और पैरोलम्पिक गेम्स के लिए जो कि अनवेल होने वाला है इन पेरिस 2024 जो रिवील किया गया है वो क्या है सो द आंसर फॉर द सेम इज गेम्स वाइड ओपन ठीक है नेक्स्ट वन इज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने अमेंड किया है कौन सा पार्ट ऑफ फ्लैग कोड ताकि जो ट्राई कलर है वो दिन और रात दोनों में होस्ट कर सके पहले क्या होता था कि रात के टाइम पे जो फ्लैग है उसको उतारना होता था एंड मॉर्निंग में वापस से उसको होइस्ट करना होता था ठीक है अब ये जो है चेंज किया गया था सो so जो फ्लैग कोड का पार्ट टू है ये चेंज किया गया था ओके okay? सो so आंसर क्या रहेगा पार्ट टू आप आप सब लोग जानते होंगे हर घर तिरंगा के बारे में तो है ना सो so, अभी uh, जो रिसेंटली हमारा इंडिपेंडेंस डे गया है उस पे वी हैव फॉलोड हर घर तिरंगा है ना कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज हु बिकम्स द सेवेंथ कंट्री इन द वर्ल्ड जो लॉन्च कर रही है अ मिशन टू द मून सो अभी अभी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट साउथ कोरिया समथिंग है ना कौन सा मिशन है उनका मून वाला दैट इज दानूरी है ना और कोरिया का जो पाथफाइंडर फाइनल लूनर ऑर्बिटर है वो फ्लोरिडा uh, से ठीक है फ्लोरिडा से ये फ्लोरिडा uh, में केप कैनवल करके है वहाँ से ये लॉन्च किया जाएगा ओके कमिंग टू नेक्स्ट वन फोर्टीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल कौन बने हैं या लपित बने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर आप सब लोग जानते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट इज शिजो आबे ही वॉज रिसेंटली असासीनेटेड ओके तो इनको जो जापान का सबसे बड़ा डेकोरेशन है दैट इज सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिस्थमम उनको क्या किया गया उससे नवाजा गया है ठीक है जस्ट फॉर द ऑनर इट इज़ गिवन टू हिम ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज एशिया कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू जो है वो शिफ्ट किया गया है फ्रॉम श्रीलंका टू विच नेशन तो पहले श्रीलंका होस्ट करने वाला था अब यू ए होस्ट करेगा ठीक है The next question is that PV Sindhu और Manpreet Singh जो हैं ये इस बार flag bearers रहे हैं Manpreet Singh कौन से गेम से एसोसिएटेड है जल्दी बताओ और PV Sindhu किससे एसोसिएटेड है जल्दी लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में किससे एसोसिएटेड हैं दोनों तो ये क्या बने हैं इंडिया के फ्लैग बेयरर्स बने हैं कॉमनवेल्थ गेम जो सेरेमनी है उसके अंदर ओके कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होस्ट होने वाले कहाँ पर होस्ट होने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम में होने वाले हैं एट विच प्लेस एग्जैक्टली इन यूनाइटेड किंगडम बर्मिंगम ठीक है बर्मिंगम के अंदर याद रहेगी ये चीज कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कौन सी कंट्री जो है वो ऑर्गेनाइज करने वाली है एक्सरसाइज पिच ब्लैक सो इसका जो आंसर है दैट इज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज करने वाली है द नेक्स्ट वन इज अभी रिसेंटली वॉल कैनो एराप्ट हुआ है और ये सी और एन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टार मार्क फॉर सी डी एस एंड एन डी एफ कैट में आने के थोड़े बहुत चांसेस है गेल्टन गैलडियर जो करके है दिस इज अ वॉल कैनो जो भी रिसेंटली इरप्ट हुआ है वेरी नियर टू आइसलैंड कैपिटल जल्दी बताओ आइसलैंड की कैपिटल क्या है ठीक है जल्दी जल्दी बताओ कौन सी है सो so, आइसलैंड जो है वहाँ पर ये आइसलैंड की कैपिटल के पास रेक रेग जावेक के यहाँ पे ये क्या हुआ है इरप्ट हुआ है ओके द नेक्स्ट वन इज पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज जो है ये एक बाइनियल ड्रिल है जो कि तीन मेजर कंट्रीज के बीच में होती है और इनमें से कौन सी उसकी पार्ट नहीं है सो so, इसमें जो फिलिपींस है वो इसका पार्ट नहीं है ये किस किस के बीच में होती है जापान के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया के बीच में होती है और ये कहाँ हुई है इस बार कोस्ट ऑफ हवाई के यहाँ ठीक है याद रहेगा ये

उसे ले किया है दैट इज ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये कौन सी सिटी में है सो अगर सिटी की बात करें इट इज गोइंग टू बी बी दैट इज मेरठ उत्तर प्रदेश ठीक है मेरठ कहाँ है यूपी में है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कौन सी कंट्री लॉन्च कर रही है सबीर सो दिस इज द फर्स्ट इन द सीरीज प्रोजेक्ट जो कि एक वर्सेटाइल न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर प्रोजेक्ट है ठीक है सबीर को कौन लॉन्च कर रहा है जिससे इंडिया का आर्कटिक प्लान जो है बाई अ नदर्न सी रूट वो जो है बूस्ट होगा कौन सा है सो so, इसका जो आंसर है दैट इज रशिया रशिया वो एक कंट्री है जो कि हेल्प करेगी इंडिया का आर्टिक प्लान को बेसिकली बूस्ट uh, करने में ठीक है नेक्स्ट जो है दस साहित्य अकेडमी अवॉर्ड जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें किसे मिला देखो ये सी डी एस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है सीडीएस और एनडीए जो भी साहित्य अकेडमी अवार्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो इसका जो आंसर है दैट इज नमिता गोखले ओके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नेशन मेगा नेवल बैटल एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज मिलान ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो ये जो exercise है, ये होस्ट ये कौन कर रहा है सो so, इसका आंसर क्या है India. India जो है इंडिया इंडिया जो वो होस्ट कर रही है इस पर्टिकुलर नेवल एक्सरसाइज को ठीक है कहां पर कर रही है विशाखापट्टनम में ओके okay? विशाखापट्टनम में होस्ट कर रही है और ये कब हुआ था फेब्रवरी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ठीक है इंडिया का फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूजियम जो है वो इनो वो इनोग्रेट कौन सी सिटी में किया गया है इसका जो आंसर है दैट इज ए हैदराबाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 जो है वो कौन होस्ट करने वाला है सो द आंसर इज पुडुचेरी पुडुचेरी ने होस्ट किया था नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 देन द नेक्स्ट वन इज की गोल्डन ग्लोब अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू बेस्ट मोशन पिक्चर जो कि ड्रामा कैटेगरी है उसमें किस को दिए गए हैं सो so, इसका जो आंसर है दैट इज बी द पावर ऑफ डॉग ठीक है

विशाखापट्टनम आई एन एस से ये टेस्ट फायर की गई है इसके थ्रू क्या चेक किया गया है कि मैक्सिमम रेंज क्या है और क्या ये जो ब्रह्मोज है क्या ये एक्यूरेट भी है या नहीं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कौन सी कंट्री जो है वो लॉन्च करने वाली है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशंस इंडिया के साथ सो एज टू डबल द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम बाय 2030 ठीक है so, सो किसने किया है ये यूके ने किया है अग्रीमेंट ओके okay? द नेक्स्ट वन इज द आइकॉनिक इंफिनिटी ब्रिज जो कि रिसेंटली ओपन किया गया है पब्लिक ट्रैफिक के लिए यह कौन सी सिटी में बनाया गया है सो so, इसका जो आंसर है दैट इज ए दुबई ठीक है दुबई में जो है इसको ओपन किया गया है दुबई कहा यू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इंडियन मिलिट्री जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट डील करी है कौन सी कंट्री के साथ ताकि वो ए टी फोर एंटी आर्मर वेपन जो हैं वो उनसे परचेज कर सके कौन सी कंट्री है सो so, जो इसका आंसर है दैट इज स्वीडन सो स्वीडन सो बेसिकली स्वीडिश एक डिफेंस कंपनी है जिसका नाम है साब ठीक है तो इनसे हम लोग लेने वाले हैं वेपन दैट इज एटी फोर ओके याद रखना नेक्स्ट कौन सी इंडियन फिल्म जो है उसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है एट ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 सो जो ऑस्कर नॉमिनेटेड तमिल फिल्म है दैट इज कूज हंगल ठीक है ये क्या है तमिल फिल्म है जो कि ऑस्कर नॉमिनेटेड भी है इसको क्या मिला है इट हैज कॉड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ढाका इंटरनेशनल फेस्टिवल ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच वर्ड हेज़ बीन चोजन एज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रंस वर्ड फॉर दर ट्वेंटी 2021? जो इसका आंसर है दैट इज ए एंगजाइटी ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कौन से नेशन की वॉरशिप है बायरन जो कि अराइव की है एट यू नो पोर्ट सो उसका जो आंसर है दैट इज जर्मनी ठीक है सो जो जर्मनी की नेवी प्रोजेक्ट है बायरन एफ टू वन सेवन ये अराइव की है एट द इंडियाज मुंबई पोर्ट कौन सी कंट्री जो है वो लॉन्च करने वाली है हुआसोंग ट्वेल्व ज बैलिस्टिक मिसाइल सो जो इसका आंसर है दैट इज नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया जो है उसने कहा था कि वो कंफर्म करता है मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ कोरिया का नेक्स्ट वन कौन सा प्लेयर है जिन्होंने अवार्ड किया है वर्ल्ड गेम एथ लीड ऑफ द्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड वन आफ्टर होम आफ्टर रानी रामपाल टू विन दिस पर्टिकुलर अवार्ड और इसका जो आंसर रहेगा दैट इज पी आर सृजेश ये हॉकी प्लेयर हैं ठीक है थेके? पी आर क्या है हॉकी प्लेयर है अच्छा रानी रामपाल कौन से गेम से एसोसिएटेड है जल्दी बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है अफ्रीकन यूनियन समिट ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है सो जो अफ्रीकन यूनियन समिट है दिस इज बीइंग होस्टेड बाय सी दैट इज इथोपिया ओके कमिंग टू द अफ्रीकन यूनियन तो इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है इसके इट इज इन एडिस अबाबा एडिस अबाबा कहाँ पर है इथोपिया में ही है ठीक है याद रहेगा ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन अच्छा इथोपिया की कैपिटल क्या है जल्दी बताएं राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन राइट अवे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने लॉन्च किया है कैंपेन दैट इज टेक अ ब्रेक तो ये अनाउंस किसने किया है इंस्टाग्राम ने किया है सो दैट पीपल कैन टेक ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया बेसिकली एंड डू समर्क दैट इज मोर प्रोडक्टिव नेक्स्ट इस कौन सी कंट्री है जो होस्ट करने वाली है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो ये जो है न्यू दैट इज हाईब्रिड फॉर्म एट में होने वाला है एंड इट इज गोइंग टू बी होस्टेड बाई आर ओन कंट्री दैट इज इंडिया ठीक है और ये जो होस्ट किया है दैट इज बाई इंडिया एंड जो इसका बेसिकली अ टूवर्ड्सियंट प्लान सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर ये इस, वो इसका मोटो था ठीक है तो याद रखना है नेक्स्ट इज इट इज विच कंपनी है फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू अ नेचुरल गैस सिस्टम सो इसका जो आंसर है दैट इज गेल गेल ने स्टार्ट किया है ये एंड दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया Okay? Okay? उसमें okay? पिक्चर कौन से प्लेट की ली है फ्रॉम स्पेस तो इसका जो आंसर है प्रेजिडेंट ऑफ जर्मनी जो कि री इलेक्ट हुए हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू में उनका क्या नाम है सो आंसर इज फ्रेंक वोल्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इजरो जो है उसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है कौन सा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन इट्स फर्स्ट लॉन्च ऑफ ईयर दैट इज इन 2022. ट्वेंटी so, सो इसका जो आंसर है दैट इज एस फोर नेक्स्ट वन इज सैन्य रनक क्षेत्र हाकदन है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है बाय हुम सो आंसर for द सेम इज ए दैट इज इंडियन आर्मी ने किया है ओके एंड इट इज ऑर्गेनाइज बाई मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एंड आईसैक ओके okay. नेक्स्ट है कि बोचोरेस्ट नाइन जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया है ये एग्जैक्टली exactly क्या है क्या ये एक ग्रुप ऑफ नेटो कंट्रीज है जो कि यूरोप में है और क्या इसमें जितने भी मेम्बर्स हैं वो पार्ट हैं यूरोपियन यूनियन और नेटो के इसमें से कौन सा करेक्ट है सो so जो बी नाइन नेशन हैं इसमें है रोमनिया ठीक है पोलैंड हंगरी बल्गेरिया चेक रिपब्लिक स्लोवाकिया और उसके साथ साथ तीन बाल्टिक रिपब्लिक दैट एस्टोनिया लाठविया एंड लिथूनिया ठीक है ये बी नाइन कंट्रीज हैं और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा प्लीज ये लिख लेना आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी नेशंस के आपको नेम याद होने चाहिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं बाद में ये मत बोलना कि मैम एग्जाम में आया था हमने लिखा हमें याद नहीं था सो प्लीज टेक अ नोट और ये बहुत क्रिटिकल रहे है हैं अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ द रशिया इज एग्रेशन टूवर्ड यूक्रेन ओके सिंस 2014 थाउजेंड फोटीन सो अब जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था इन दोनबास तो उस टाइम से ये जो मेंबर्स हैं में दे हार्ड बीन इनटू द न्यूज ओके सो so, जो वॉर था कहाँ हुआ था डोनबास में स्टार्ट हुआ था और जो रशिया का एन एक्स क्रीमेनियन है कौन सा पेनन्सुला क्रीमेनियन पेनन्सुला ठीक है याद रखना अच्छा तो इसका अब जो आंसर है वो क्या हो जाएगा ए दैट इज बोथ ए एंड बी तो ये नेटो कंट्रीज में भी आते हैं यूरोप की और ये सारे जो मेंबर्स हैं ये ईयू और नेटो दोनों के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट है कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि भी रिसेंटली टेस्ट फायर की गई है बाय इंडिया एट पोखरन राजस्थान सो इसका जो आंसर है दैट इज हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग मिसाइल ठीक है हल्दीना हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग मिसाइल जो है उसको टेस्ट फायर किया गया है ये क्या है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ए है ठीक है ये हाई एल्टी एरियाज में टेस्ट फायर करके देखी गई है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल सिस्टम है ठीक है इंडिजिनसली डेवलप्ड ओके नेक्स्ट जो है दैट इज कौन सी कंट्री जो है लॉन्च करने वाली है गोफेन थ्री जीरो थ्री इंटू स्पेस फ्रॉम जिगवान सेटेलाइट लॉन्च सेंटर बाय लॉन्ग मार्च फॉर सी रॉकेट सो इसका जो आंसर होने वाला है दैट इज चाइना ठीक है चाइना ऑलरेडी सक्सेसफुली लॉन्च कर चुकी है इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को अगला जो क्वेश्चन है दैट इज सौरभ घोषाल के साथ साथ और कौन है जिन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है इन मिक्स डबल कैटेगरी एट वर्ल्ड डबल स्क्वाश चैंपियनशिप 2022 जो कि होस्ट हुई थी इन ग्लासगो यूके ठीक है सो कौन है द आंसर इज दीपिका पालिकल और इसके साथ साथ एक और ग्रुप था ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं आप लोगों के साथ एफ कैट वाले जो करंट अफेयर्स है उसमें दूसरे वाला जो ग्रुप था दैट वाज विमेन वाला है ना तो उसमें कौन थी दैट इज दीपिका पालिकल पेयरिंग विद जोशना चिनप्पा ठीक है ये तो मिक्स वाला था मिक्स में सौरभ घोषाल और दीपिका पालिकल थे ठीक है और सिर्फ वुमेन की बात करेंगे तो दीपिका पालिकल और जोश्ना चनप्पा याद रहेगा नेक्स्ट से कौन सी कंट्री जो है वो फर्स्ट कंट्री बनती है जिसने लीगल राइट्स दिए हैं वाइल्ड एनिमल्स को सो so इसका जो आंसर है दैट इज ए साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वाडर ठीक है ये कौन सी कंट्री है साउथ अमेरिकन कंट्री है

जिसका नाम है प्रस्थान यह कौन सी सिटी में कंडक्ट की गई है ओके okay? सो so, जो इसका आंसर है इज बी मुंबई और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है दैट इज कि ये हर सिक्स मंथ्स में होस्ट की जाती है वंस ओके कंडक्ट की जाती है द नेक्स्ट वन इज क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया है ये कहाँ से एसोसिएटेड है सो so, अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है कि यहाँ पे 540 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया जाएगा और ये लोकेटेड है चनाब रिवर में जो कि कहाँ है जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर है जम्मू और कश्मीर के किश्तावर रीज डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है नेक्स्ट क्या है कौन सा स्टेट है जो कि फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है जहां पर कमीशन किया जा रहा है इंडिया के अंदर सो so, इसका जो आंसर है अगैन वॉट इज द आंसर फॉर दिस डी आसाम ओके नेक्स्ट वन इज किसको इंटरनेशनल गांधी अवार्ड मिला है फॉर लेप्रोसी ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो जो इसका आंसर है दैट इज बी डॉक्टर भूषण कुमार ओके okay, याद रखना इनको लिप्रोसी के लिए ये जो है अवार्ड दिया जा रहा है नेक्स्ट इज रजीना डायलॉग जो कि इनोग्रेट किया गया है रिसेंटली ये किस से रिलेटेड है तो इसका जो आंसर है ए दैट इज़ रजीना डायलॉग जो है ये बेसिकली uh, इंडिया का फ्लैगशिप इंडिया का फ्लैगशिप फॉरेन पॉलिसी वाला एंड उसके साथ साथ जियो इकोनॉमिक्स कि जो कॉन्फ्रेंस है ठीक है जियो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस है बेसिकली ये ओके okay, और ये इनाग्रेट की गई है बाय अ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इसका सेवेंथ एडिशन जो था दैट वाज दिस टाइम और इस बार जो चीफ गेस्ट रहे हैं दैट इज उर्सुला वॉन डेर लेन ठीक है याद रखना ये कहाँ के प्रेजिडेंट हैं ये यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेजिडेंट है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज मॉस्को जो कि अभी न्यूज़ में देखी गई थी ये फेमस वॉरशिप कौन सी कंट्री की थी इसका आंसर देखो नाम से पता चल रहा है किसकी होगी रशिया की होगी ऑफकोर्स हो है ना और ये एक्चुअली क्या है फाइव हंड्रेड टेन क्रू मिसाइल क्रूजर है एंड अभी रिसेंटली बोला गया है कि ये दिस वॉज एक्चुअली हिट बाय द यूक्रेनियन मिसाइल ऐसा बोला गया है ओके द नेक्स्ट वन इज स्पेशल थ्री जीरो वन रिपोर्ट जो कि अभी रिसेंटली देखी गई थी न्यूज़ में ये कौन सी कंट्री ने रिलीज की है तो इसका जो आंसर है दैट इज सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसने इसे रिलीज किया है रिसेंटली नेट पोलरेक्स एट जो है वो अभी लॉन्च की गई थी दिस इज द नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज तो ये किसने होस्ट की है दिस इज द क्वेश्चन एंड द आंसर फॉर द सेम इज इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड ने करी है ये एक्सरसाइज ओके एंड दिस वॉज डन एट विच एग्जैक्ट प्लेस तो इट वॉज इन गोवा गोवा में जो मोरमुगाव हार्बर है वहाँ पर यह हुआ था एंड इट वॉज अ टू डे नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज ओके एंड इसका कौन सा एडिशन था इट वॉज इट्स एथ एडिशन दिस टाइम ठीक है नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जो कि रिसेंटली न्यूज में रही है ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की है तो इसका जो आंसर है दैट इज आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको रिलीज किया है नेक्स्ट वन इज़ कि गगन के रिगार्डिंग क्या बिल्कुल सही है तो जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर चाहे ये बात कर रहे हैं कि गगन की फुल फॉर्म क्या है ठीक है और इसरो और ए ने मिलकर डेवलप किया है ये भी बिल्कुल सही है गगन जो है वो आइनास्परिक डिस्टर्बेंस को क्या करता है जो भी एरर्स हैं उनको रेक्टिफाई करता है ये भी बिल्कुल सही है और इंडिया जो है ये फर्स्ट कंट्री है जिसके पास ऐसी कोई सेटेलाइट है जो कि बेसिकली लैंडिंग प्रोसीजर्स पे बेस्ड है क्या ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक है येस दे ऑल आर करेक्ट सो जो आंसर होगा इसका दैट इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ दबाउ आंसर क्या होगा ए ऑल ऑफ द अबाउ नेक्स्ट मूव करते हैं सिंधिया रोजनबेग जो रिसेंटली न्यूज में दे, देखी गई थी उनको कौन सा अवार्ड मिला है सो वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड जो है वो सिंधिया रोजनबेग को मिला है फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो मैस्कट थे वो क्या थे द आंसर फॉर द सेम इज धाकर ठीक है और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि पांच जो गेम्स हैं दैट आर आर इंडिजिनस गेम्स वो भी ऐड किए गए हैं फर्स्ट टाइम जैसे कि गटका ठीक है उसके बाद कला, कलाई कलायरी पट्टू जो है ठीक है देन मलखंबा ओके एंड उसके अलावा एक और कौन सा है दैट इज योगासना ये सारे ऐड किए गए हैं इस पर्टिकुलर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नेक्स्ट है अंडर द मिशन सागर नाइन आईएनएस घरियाल जो है उसने डिलीवर की है क्रिटिकल मेडिकेशन टू विच कंट्री सो इसका जो आंसर है दैट इज़ लाइफ सेविंग मेडिकेशन जो श्रीलंका को दी गई है बाय इंडिया कासा मॉस जो कि अभी रिसेंटली हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये साइट है जो क्लाशज में रहती है ये इसराइल में लोकेटेड है कहाँ पर ठीक है तो so, इसका जो आंसर है दैट इज़ जेरूसलम के अंदर है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं जो फेस्टिवल और रमज़ान के टाइम ओके नेक्स्ट इज इज ऊर्जा प्रवाह जो कि रिसेंटली किया गया है द शिप ऑफ विच आर्म्ड फोर्सेस सो ऊर्जा प्रवाह जो है दिस हैज बीन इंडक्टेड इन इंडियन कोस्ट गार्ड ओके इंडियन कोस्ट गार्ड में जो बारूच एरिया है ऑफ गुजरात यहां पर इसको इंडक्ट किया गया है नेक्स्ट है कि मुला परियार जो डैम है देखो डैम्स बहुत ज़रूरी है बट डैम्स अच्छे से रिवाइज कर लेना क्वेश्चन आते हैं मुला परियार डैम जो है इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं सो so, जो इसका आंसर रहेगा दैट इज बी ओके दैट इज़ सेकेंड ओनली ये कृष्णा रिवर के ऊपर बिल्ट है नहीं ये पेरियार रिवर पे किस पे है पेरियार रिवर पे बिल्ट है ओके okay? और ये केरला के अंदर है और जो ये है इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय a रिपोर्ट by यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी that institute फॉर वाटर environment एंड हेल्थ कि ये वर्ल्ड का बिगेस्ट डैम है जिसको क्या कर देना चाहिए डीकमिशन कर देना चाहिए ये अभी रिसेंटली रिपोर्ट में आया है ओके सो दैट इज वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट हैड बीन देयर इन द न्यूज़ और ये सिचुएटेड है इन वेस्टर्न घाट एट जैसन टू पैरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बिल्कुल सही है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही नहीं थी सो आंसर क्या हो जाएगा बी दैट इज सेकेंड ओनली नेक्स्ट इज राइट मॉन्स बॉल जो कि रिसेंटली देखा गया था न्यूज में ये कौन से प्लानट के ऊपर देखा गया था ठीक है कौन से प्लानट से रिलेटेड है सो इसका जो आंसर है दैट इज सी प्लूटो कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है मीटिंग ऑफ एस सी ओ एंटीटेर बॉडी जिसका नाम है रैट्स सो द आंसर फॉर द सेम इज़ न्यू डेली न्यू डेली जो है वो होस्ट करने वाली है इस मीटिंग को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरत और उदयगिरी जो है ये रिसेंटली लॉन्च किया डिफेंस मिनिस्टर ने और अभी अभी ये मैंने आपको डिफेंस वाली जो वीडियो है उसमें बताया था उसका जल्दी से आंसर बताओ क्या है ए बी सी डी में से कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज द विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द क्वाड लीडर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो इस क्वाड में सबसे पहले कौन कौन आते हैं इट इज इंडिया यूएसए जापान और कौन सा नेशन है ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो जो इसकी मीटिंग कहाँ होने वाली है जापान में होने वाली है द नेक्स्ट वन इज कौन है ऑथर नॉवल ऑफ टूम ऑफ सैंड जो कि अभी इस बार जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर ऑफ प्राइज जीता है ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जल्दी से आंसर मार्क करो क्या होगा इसका द आंसर इज गीतांजलि श्री है ना नेक्स्ट है स्काई ब्रिज सेवन ट्वेंटी वन जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है और ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है तो इसकी अगर बात करें द आंसर इज चेक रिपब्लिक में है ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वन इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट कन, की जाती है सो so, इंडिया और कजाकिस्तान के जो बीच में है दैट इज नोन एज काजिन एक्सरसाइज ये काजन एक्सरसाइज जो है आयशा बीबी कजाकिस्तान में हुआ था डस्लिक का ये थर्ड एडिशन था एंड इट वॉज बिटवीन उज आर्मी एंड इंडिया के बीच में खंजर जो है ये वाली जो एक्सरसाइज थी दिस वॉज इन बिटवीन किर्गिस्तान एंड इंडिया के बीच में हुआ था और इसका कौन सा एडिशन था दिस इट्स एडिशन ओके एंड इट इट एट एट प्लेस स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बालको एच पी में हुआ था हिमाचल प्रदेश में और ये जो ईस्टर्न ब्रिज है ये किसके बीच में है इंडिया एंड ओमान के बीच में है ठीक है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा और ये जो एक्सरसाइज थी ये जोधपुर में हुई थी जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन जो है वहां पर ओके okay. सो so, इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज सी ओनली वन टू व्री बिकॉज दिस इज नॉट बिटवीन इंडिया एंड द सेंट्रल एशियन कंट्री ओके नेक्स्ट जो है दैट इज इसमें से कौन से जो इक्विपमेंट्स हैं इसराइल से हम लोगों ने इम्पोर्ट किए हैं तो क्या फैल्कन वैक्स किए हैं येस yes, ये किए हैं हिरॉन ड्रोन्स हमने किए हैं बिल्कुल किए हैं और इसके अलावा हम लोगों ने आई चक्रा सबमरीन नहीं ये नहीं किया अच्छा बताओ कहा से लिया ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं ठीक है मतलब डिफेंस वाली वीडियो में और बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये भी लिया तो आंसर क्या हो जाएगा एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज आई जो है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है इट इज अ अल इंडेक्स जो कि स्टार्ट किया गया है बाई यू क्या ये सही है नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है ये स्टार्ट किया गया था टू थाउजेंड एंड टू में बाय बाई डब्ल्यू ई एफ दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम इन कोलाबोरेन विद द येल सेंटर फॉर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी ठीक है ये स्टार्ट किया गया था बाई डब्ल्यू ई एफ तो ये बिल्कुल गलत है और ये जो नेक्स्ट है दैट इज ई पी आई जो है वो रैंक किया है उसको इंडिया ने एट द बॉटम पोजिशन अमंग वन एटी कंट्रीज क्या ये सही है ये बिल्कुल सही है ये गलत है सो so, सो so, इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज बी ठीक है टू ओनली कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 है उसमें क्या क्या चीजें कवर्ड है एरोबैटिक्स बलूनिंग ड्रोन्स एंड ग्लाइडिंग बिल्कुल सही ऑल ऑफ द आर बायर ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द बाओ अगला जो है नासा का जो वीनस मिशन है उसका क्या नाम है उसका नाम है डाबिंसी मिशन ठीक है Mission, याद रखना है डॉबिंसी कोड से याद कर सकते हैं अगला जो है दैट इज़ ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प जो है दैट इज़ इसमें आई तलवार इज डिप्लॉयड अंडर दिस पर्टिकुलर मिशन एंड ये थर्ड कॉन्टीन्यूस ईयर है जब इंडियन नेवी की जो प्रेजेंस है दैट इज़ इन द गल्फ एंड जितने भी मेरेटाइम इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर है एंड इट इज़ एग्जैक्टली एट द पोजिशन गल्फ ऑफ ओमान के यहाँ पर है ये ठीक है सो so, इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज इंडियन नेवी ओके एंड जो गल्फ रीजन है उसके थ्रू आराम से इंडियन फ्लैग वेसल्स जो हैं वो पास कर सके इसलिए है दैट इज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के वहाँ पे ओके okay? याद रखना ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज पिंक जो कि रिसेंटली देखा गया है न्यूज में वो किस चीज से एसोसिएटेड है सो so, ये जो है कॉटन के अंदर ग्रो करता है ओके सो आंसर क्या हो जाएगा दैट इज सी कॉटन इंडिया का फर्स्ट मैंड ओशन मिशन उसका नाम क्या है सबको पता है इट इज समुद्रयान ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन कौन सी कंट्री इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनती है सो so, इसका जो आंसर है दैट इज यूएस उसने जो है चाइना को भी पीछे छोड़ दिया बायोलेचुर जो ट्रेडिंग है उसके बीच में सो so, ये ऑलरेडी मैं सी में पढ़ा चुकी हूं एक बार प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो है वो कौन सी कंट्री में डिस्कवर किया गया है इसका जो आंसर है दैट इज डी फ्रांस फ्रांस के अंदर जो ब्रैकिश वॉटर्स हैं, रेड मैनग्रोव स्वैम्प के अंदर ठीक है रेड मैनग्रोव स्वम्प जो है वहां पर इसको डिस्कवर किया गया है नेक्स्ट जो है रिसेंटली कौन सी कंट्रीज़ ने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया है और जबकि इसकी कोई भी हिस्टोरिकल टाइज नहीं आप सब लोग जानते हैं जितने कंट्रीज कॉमनवेल्थ में हैं उनके कुछ ना कुछ टाइज रहे हैं विद यू के मतलब उन लोगों ने उसे कभी ना कभी तो रूल किया है बट ऐसी दो कंट्रीज जिन्होंने अभी ज्वाइन किया और उनको कभी कोई ऐसा हिस्टोरिकल टाइज नहीं रहा है दैट इज टोगो एंड गेबिन ओके और ये जो दोनों थी ये क्या थी फ्रेंच कॉलोनीज थी ठीक है याद रखना है फिफ्टी फिफ्थ और फिफ्टी सिक्स नेशन बने हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया है नेक्स्ट है रिसेंटली हरीमू शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और कौन सी नेशन के बीच में हुई है सो so जो इसका आंसर है दैट इज इंडिया एंड मलेशिया और ये जो एक्सरसाइज है ये मलेशियन फॉरेस्ट में ही हुई थी ठीक है इट वॉज़ टू बेसिकली इम्प्रूव द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्म फोर्सेज ऑफ टू कंट्रीज कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से हमें देखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है जितने भी जी सेवन कंट्रीज और इंडिया हैं वो पार्ट हैं जी ट्वेंटी का क्या ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल सही है सारे G7 सेवन मेंबर्स जो हैं वो नेटो के मेंबर्स हैं नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है सो so आंसर क्या हो जाएगा ओनली वन चलो जल्दी से बताओ G7 सेवन नेशन कौन से ये भी मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूं ओके ट्वेंटी ट्वेंटी में रेजिलियन डेमोक्रेसी स्टेटमेंट जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखी गई है ये कौन से इंटरनेशनल इवेंट के अंदर हुआ था सो so इसका जो आंसर है दैट इज फोर्टीन ब्रिक्स समिट जो था उसमें ये देखा गया है सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव जो है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं तो ये नीचे हमें कंट्रीज गिवन है हमें डिसाइड करना है कौन सी है सो इसमें क्या है यूएसए और उसके जितने भी अलाइज हैं दैट इज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान और यूनाइटेड किंगडम ये इसमें हैं ठीक है तो इसमें देखो कौन कौन सी कंट्री नहीं है ये वाली कंट्री नहीं है ठीक है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी दैट इज वन थ्री एंड फोर ओनली ठीक है इसका जो फोकस है दैट इज प्रोस्पेरिटी रेजिलेंस सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना पैसिफिक वाले जो रीजन है उसमें ठीक so है सो मेजर जो चीज है दैट इज पैसिफिक रीजन वाला जो सेक्शन है उसको इम्प्रूव करना दैट्स इट कमिंग टू द नेक्स्ट वन जो मधेरा सन टेम्पल है भी रिसेंटली न्यूज में था ये कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है तो इसका जो आंसर है दैट इज ए सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसने इसमें हंड्रेड परसेंट सोलराइजेशन कर दिया है हंड्रेड परसेंट सोलराइजेशन हैज बीन डन इन दिस ठीक है और ये जो बनाए थे चोलक्या किंग भीमा वन ठीक है भीमा वन ने बनाया था इन अर्ली एलिथ सेंचुरी और ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी 2014 में ठीक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो थी कब बनी थी इन 2014 याद रहेंगे सारी चीजें 100 परसेंट सोलराइजेशन हुआ है इसलिए अभी न्यूज में रही है इम्पोर्टेंट है सीडीएस और एनडीए के लिए भी तो याद करना सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज की अकूला क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है ये हम कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करें सो so, जो इसका आंसर है दैट इज यूक्रेन हमें थर्ड अकूला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन 2025 में मिल जाएगी ठीक है इसके अलावा एक सेपरेट डील चल रही है जिसके अंदर हम एट जोरिया मैश प्रोकेट गैस सबमर गैस टर्बाइन इंजन जो हैं हम ले रहे हैं ठीक है सो दिस ऑल्सो वी आर टेकिंग फ्रॉम होम वी आर टेकिंग दिस फ्रॉम इजराइल इथ सेल्फ ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कि कौन सा स्टेट जो है वो टॉप रेसिपेंट रहा है इन टोटल फॉरिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सो इसका जो आंसर है दैट इज बी कर्नाटका ऑलमोस्ट थर्टी एट परसेंट ऑफ एफ डी आई जो है वो यहाँ पर यूज हुई है ओके okay? इक्विटी जो है दैट हैज कम टू दिस परसेंट जो है ये महाराष्ट्र में और जो दिल्ली है उसमें फोर्टीन परसेंट ठीक है आप सब लोग जानते हैं हब्स हैं यहाँ पे बैंगलोर है या मुंबई है और दिल्ली है इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो है कि हमें देखने हैं ये स्टेटमेंट्स और इसमें से कौन से सही हैं सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं लास्ट डेगेड से ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है चाइना के सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रिजर्व हैं ये भी बिल्कुल सही है फॉरेन करेंसी गोल्ड स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आईएमएफ से मिलते हैं ये सारे फॉरेक्स पार्ट ये सारे फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट है बिल्कुल सही है सो so आंसर क्या हो जाएगा दैट इज डी वन टू एंड थ्री ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज नॉर्थ स्ट्रीम रूट जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कौन कौन सी कंट्री का पास करता है सो so, इसका आंसर क्या है एक तो रशिया का करता है स्वीडन का करता है और डेनमार्क का करता है सो so, आंसर क्या हो जाएगा सी दैट इज वन टू एंड फोर ठीक है सो so, ये जो अपना नॉर्थ स्ट्रीम रूट है ये एक एक्चुअली रूट है जहाँ से जर्मनी का मेन सोर्स ऑफ गैस है रशिया आप सब लोग जानते हैं और अभी मेंटेनेंस वर्क चल रहा है वहाँ पर और ये जो रूट है ये पास होता है रशिया फिनलैंड स्वीडन डेनमार्क और जर्मनी के थ्रू ठीक है इसके जो टेरिटोरियल वाटर्स है उसके थ्रू पास होता है नेक्स्ट है इंडियन दैट हैज़ बीन अवार्डेड विद आयुर्वेदा रत्न अवार्ड बाय द यूके पार्लियामेंट इसका क्या आंसर है तनुजा निसैरी ठीक है

खलीफा प्राइज जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई सेक्टर जो है इसमें दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फोर्थ चेस ओलंपियाड जो है वो कहाँ होस्ट होने वाला है सो बेसिकली चेन्नई में होने वाला है तमिलनाडु इज गोइंग टू होस्ट द सेम द नेक्स्ट वन इज टाडोबा टाइगर रिजर्व जो होस्ट कर रहा है ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन को वो कहाँ पर है इट इज इन महाराष्ट्र

ठीक है यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है उनको दिया गया है बाय हूं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी कंट्री जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2024 के बाद छोड़ने वाली है सो so, इसका जो आंसर है दैट इज रशिया ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूं मैं आप लोगों को टीम इंडिया फ्लैग बेर जो 2022 कॉमनवेल्थ गेम में होने वाले हैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुकी हूं जल्दी से बताओ क्या आंसर है जल्दी से राइटेड डाउन इन द कमेंट सेक्शन इंडियन नेवी जो है वो रिसीव करने वाली है एम एच सिक्सटी आर मल्टीरोड हेलीकॉप्टर यह भी मैं डिफेंस वाले में बता चुकी हूँ आपको इसका आंसर क्या है ये हम कौन सी कंट्री से ले रहे हैं वी आर टेकिंग दिस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स तो आंसर क्या हो जाएगा बी यूनाइटेड स्टेट्स द नेक्स्ट वन इज विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च स्पेस स्टेशन मॉड्यूल जिसका नाम है वेंटियन तो इसका जो आंसर है दैट इज सी चाइना ओके

ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था ठीक है इस टाइम पे हमारे कंट्री ने uh, मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया था इट वाज रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज और हम लोगों ने दिया था इस टाइम पे क्या पंचमित्र ठीक है मतलब जो नरेंद्र मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पंचमित्र दिया जिसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी ट्वेंटी थर्टी तक कम कर देगा बहुत सारी ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग बातें हुई हैं ठीक है सो देट टोल फाइव थिंग्स रिगार्डिंग नेट जीरो इमोशंस एक्सेट्रा लॉड ऑफ थिंग्स ओके नेक्स्ट है कोप ट्वेंटी वो कहाँ होने वाला है शर्म अल शेख ये कहाँ है दिस इज अ सिटी इन इजिप्ट ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कोव ट्वेंटी एट जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में होगा ये ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन वाला जो है ये कब हुआ ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ओके okay? और ये कहाँ होने वाला है कोव ट्वेंटी एट एट यू ए ई ठीक है याद रहेंगी ये सारी चीजें सो so, इसके साथ हमारे होते हैं हैंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर फॉर इफ कैट प्लीज मेक श्योर अच्छे से रिवाइज कर लो वन लाइनर्स ही आते हैं यहाँ पे ओके नाउ टॉकिंग अबाउट अदर इंपॉर्टेंट हैव टू कवर स्पोर्ट्स की जो वीडियो मैं सी डी एस वगैरह के लिए रिलीज़ करने वाली हूँ सी डी एस एफ कैट और एनडीए के लिए वो कॉमन है ठीक है उसके अलावा मैंने एक डिफेंस की वीडियो जो है वो रिलीज़ की है वो सबको कवर करनी है ओके देन हिस्ट्री की स्पेसिफिक टू इफ कैट है वो कवर करनी है आप लोगों को फिर स्पोर्ट्स के पार्ट वन और पार्ट टू ये दो रिलीज़ होंगे ठीक है ये क्या है ये स्टैटिक

जो है वो रिवाइज करें सो so, इसकी मैं एक और आपके लिए वीडियो रिलीज कर दूंगी प्लीज गो थ्रू दैट ऑल्सो ओके सो प्लीज़ मेक श्योर यह सारी वीडियोज देख लो ऑन ऑल द बेस्ट गाइड्स कीप वॉकिंग स्मार्ट अपनी मेहनत करते रहो एंड एंगेज यूर सेल्फ इन टू री रिविजन राइट ना दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस गो थ्रू ऑल दिस क्विक रिविजन मैथर्ड्स जो मैं आपके साथ ही हूँ ना यूल एबल टू काइंड ऑफ रिवाइज वट एवर यू हैव रेड सो इन वीडियोज को अच्छे से फॉलो आउट करो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड गिव मी अ ट्रमेंडसली गुड रिजल्ट दैट इज वट आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू ऑल द बेस्ट कीप वॉकिंग स्मार्ट